हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत दिन से चर्चाओं में था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के यूज़र्स को ये पहले ही प्रोजेक्ट पूरा समझा दिया था और अच्छे रेट्स पे कुछ लोगों ने क्लोज भी किया था इसे। अब ये प्रोजेक्ट फुल फ्लैश लॉन्च हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम है द एस्पन वाइटलैंड का ये प्रोजेक्ट है। वाइटलैंड एक बिल्डर है गुड़गांव का, जो कि पहले ब्रोकरेज फर्म था, बट अभी ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। 76 सेक्टर में प्रोजेक्ट है एसपीआर रोड पे। आज इसके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, किस कारण हमें खरीदना चाहिए और क्या क्या एक दो पॉइंट हैं, क्या वो पॉइंट इसकी अच्छाई को ओवरशेडो करते हैं या नहीं करते हैं, ये आज सारी बातें हम लोग जानेंगे। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा और बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें वाइटलैंड की, वाइटलैंड सेक्टर 76 में है। इसका पहले लो राइज आया था ब्लिस विले के नाम से, जिसमें कि दीनदयाल के बिल्डर फ्लोर थे। ये पूरी जो लैंड है उसी का एक पार्ट में अब ये लेके आए हैं। ये जो लैंड है 13 एकड़ में ये लेके आए हैं। हाई राइज का रहरा आ चुका है इनका। द एस्पन के नाम से प्रोजेक्ट है, सुपर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहेगा इसमें। 13 एकड़ में करीबन आपकी 650 यूनिट ये लोग लेके आ रहे हैं। 650 यूनिट मतलब कि करीबन आपके 35 यूनिट्स पर एकड़ ये लेके आ रहे हैं। आपने चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स देखे हों, चाहे एक्सटेंशन रोड पे देखे हो, आजकल डेंसिटी बहुत हाई है। उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी बहुत प्यारी बहुत अच्छी लेके आए हैं ये। अंदर से कंसेप्ट लेके आए हैं। कंसेप्ट में 2-2 a core अपार्टमेंट है, मतलब कि एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट रहेंगे। तो जो ऐसे 2 अपार्टमेंट रहेंगे, 2 अपार्टमेंट में इधर की भी फेसिंग रहेगी, इधर की भी फेसिंग रहेगी। आसपास हाई राइज जो है उसको ये कैटर नहीं करता है, क्योंकि यह लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। इससे अरावली व्यू भी आएगा आपका, साथ साथ में ही अंदर का व्यू भी आएगा दोनों अपार्टमेंट से। अगर ऐसे अपार्टमेंट है, इधर से अरावली व्यूज़ हैं और इधर से आप लोगों के अंदर का व्यूज़ है, मतलब कि क्लब फेसिंग व्यूज है। बात करें क्लब की, तो क्लब 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। डायमंड शेप में बहुत अच्छे कंसेप्ट में ये लोग क्लब लेके आ रहे हैं। थ्री पैसेंजर लिफ्ट 1 सर्विस लिफ्ट इसमें रहने वाली है। डबल हाइट इसके लिफ्ट लॉबीज हैं। साथ ही साथ अगर हम लोगों के बात की जाए प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट में आप लोगों को जो चीज़ मिलेगी वो मिलने वाली है, नो व्हीकल मूवमेंट रहेगा ऊपर की तरफ। इसमें 9 टावर टोटल हैं, 9 में से 8 टावर लग्जरी सेगमेंट के, 1 इनका 1 जो टावर है वो आइकॉनिक टावर है। अगर 3 बेडरूम के साइजेस की बात की जाए, लेके 2100 से और 2700 के आसपास के 3 बेडरूम हैं, 3100 से 3800 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम इन लोगों के रहेंगे। ये आपको टेंटेटिव में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर कोई सारी चीज़ें जानना चाहता है तो मेरे को विजिट कर सकता है। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का रिव्यू है। इसके आगे मैं आपको कॉन्स भी बताऊँगा। अभी पहले इसके पॉजिटिव्स हम लोग ख़त्म करते हैं। पहले इसके जो सराउंडिंग में अगर हम लोग बात करें, तो सराउंडिंग में बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कुछ हैं। जैसे कि अगर आप लोग कमर्शियल की बात करें, तो अभी MX का यहाँ पे बन रहा है कैंपस बहुत बड़ा। यहीं पे आसपास में ही अगर आप लोग देखेंगे तो DLF कॉरपोरेट ग्रीन जैसी भी बिल्डिंग्स हैं। और इसके कनेक्टिविटी की बात करें, तो कनेक्टिविटी NH8 से मात्र 700 से 800 मीटर है। SPR रोड से भी इतनी ही दूर है। तो ये इसके सारे प्रॉज हैं प्रोजेक्ट के। इसके आसपास में काफ़ी गोल्फ कोर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि गोल्फ कोर्स के ग्राउंड्स हैं जिसमें काफ़ी जनता आती है और गोल्फ कोर्स खेलती है अपने लिए। और भी बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसे ये लोग इटालियन मार्बल लगा के दे रहे हैं, ठीक है, ACs का प्रोविज़न है, मतलब अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में दे रहे हैं, फुली लोडेड किचन ये लोग दे रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जो आप लोगों को सिर्फ वीडियो नहीं, एक बार प्रोजेक्ट विजिट करेंगे, सैंपल भी रेडी है ऑलमोस्ट, सैंपल भी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा आएगा कि किस लेवल का प्रोजेक्ट ये डिलीवर होने वाला है। अगर हम कॉन्स की बात करें, तो 2 इसमें मेरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है।
क्या जो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ओवरशेडो करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है, सबसे पहली चीज़ है, क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो 24 मीटर रोड से कनेक्टेड है। हम लोगों ने देखा है जो 60 मीटर रोड से कनेक्टेड होता है और जो 24 मीटर रोड से कनेक्टेड होता है, उसके रेट्स में कहीं ना कहीं फ़र्क दिखता है। अभी नहीं दिखता है तो फ्यूचर में दिखेगा, पर वो दिखता ज़रूर है। 19-20 का चाहे फ़र्क हो, वो डिपेंड करेगा, अगर प्रोजेक्ट जैसा बिल्डर दिखाता है, अभी जैसा बिल्डर ने प्रोजेक्ट दिखाया है, अगर इसका 90% 80% भी अगर डिलीवर करता है तो मुझे नहीं लगता 24 मीटर रोड वाला जो फैक्टर है वो काम करने वाला है इस केस में। और दूसरी अगर बात की जाए अगली, तो लोगों के मन में बहुत डर है इस चीज़ को लेके कि नया बिल्डर है डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। बट जो अभी तक काम कर रहे हैं, जैसे इनका SCO का भी था, तो SCO का भी जो इन्होंने SPR रोड पे निकाले थे, SCO का भी ठीक ठाक काम खींच रहे हैं। अपने जो लेवल था इनका, जो कंस्ट्रक्शन टाइमिंग था, उससे एडवांस ही ये लोग चल रहे हैं, उससे पीछे नहीं। तो ये डर जहन में रहता है, बट रियल स्टेट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा काम करता है। आज की डेट में 13,900 पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, जिसमें TPR टाइमली पेमेंट रिबेट जिसको बोलते हैं, साथ में ही इनोग्रल डिस्काउंट करके 13,000 रुपये के आसपास का प्राइस है। इसमें कुछ शायद फर्दर डिस्काउंटिंग होने की उम्मीद हो सकती है, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। बाकी यही प्रोजेक्ट हम लोगों ने, जब जो अर्ली मूव इन थे हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा एडवांटेज इसमें उठाया है, उन लोगों को भी पता है, और जिन्होंने नहीं उठाया है जो मैं टेलीग्राम यूज़र्स हैं उन लोगों को भी पता है मैंने किस रेट में प्रोजेक्ट पहले कोट किया था उन लोगों को। तो चीज़ ठीक है, सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने बताया, 24 मीटर रोड से कनेक्टेड है, साथ में नया बिल्डर है, तो थोड़ा सा आदमी के मन में हिचक रहती है। बट रियल स्टेट में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता है। रहना आने के बाद कुछ चीज़ें कुछ हद तक अच्छी हुई हैं, तो मार्केट का सीनैरियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लोकेशन गुड़गांव के मिड होने से, जैसे मैंने मास्टर प्लान अपना समझाया हुआ है, एक वो इसी चैनल पे डाला हुआ, उसमें आपको बताया हुआ है कि मिड कौन सा पड़ता है गुड़गांव का, तो गुड़गांव के मिड में, पेरीफेरी के मिड में ये प्रोजेक्ट पड़ता है, तो उससे आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। प्रोजेक्ट का ओपन एरिया बहुत सुंदर है, प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा है, प्रोजेक्ट के साइजेज रूम के बहुत अच्छे हैं। 2-2 a core अपार्टमेंट का जो ये लेके आए हैं कंसेप्ट, वो बहुत सुंदर है, क्योंकि अगर 3-2 a core आते हैं, जैसे 2 apartment यहाँ होंगे, एक हेड यूनिट होगी, तो क्या होता है उसमें सनलाइट का थोड़ा बहुत कभी इशू हो जाता है। बट इस ये पूरा दो साइड से बिल्कुल ओपन रहेगा प्रोजेक्ट, और लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी हर एक एमिनिटी इसमें है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, कहीं से भी प्रॉपर्टी खरीदे, कुछ भी खरीदे, उसमें बहुत चॉइसेस, बहुत आप लोगों के ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत आपका क्या क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट एंड यूज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सिर्फ एक वीडियो देख के परसेप्शन नहीं बनाया जा सकता, और बात करेंगे अगली वीडियोज़ की। धन्यवाद, मिलते रहेंगे दोबारा।